जिंदाबाद जिंदाबाद At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. आइडिया बना रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विद्युत विभाग से संबद्ध करीब 200 से अधिक निविदा संविदा कर्मियों ने शहर के मुख्य मार्गों पर कैंडल मार्च निकाला है, अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की है। काफी चर्चा का विषय या सीतापुर में बना हुआ है, क्या पूरा मामला है, क्या इन कर्मचारियों की मांगे हैं और अब अधिकारियों का इस मामले में क्या कहना है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आइडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताए, क्या पूरी जानकारी है? अर्वेश, आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का जो आज ये कैंडल मार्च आज निकाला गया है, उनके जो निविदा और संविदा कर्मचारी हैं वो प्रदेश व्यापी कैंडल मार्च था। जिले यूपी के 75 जिलों में निकाला गया था और सीतापुर की जो जिला इकाई है वहाँ के करीब 200 जो निविदा और संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने सीतापुर शहर के रोडवेज बस अड्डे से लेकर और अटल चौक, जिसे हम लालबाग चौराहा भी कहते हैं, पुराना नाम है, वहाँ तक कैंडल मार्च निकाला और इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। अटल चौक पर उनका कैंडल मार्च समाप्त हुआ, वहाँ पर उन्होंने अपनी जो कैंडल है वो रखी और एक और है जो अपने मांगों के समर्थन में हुंकार भी भरी। आपको बता दें अमरेश कि इस दौरान जब संविदा कर्मचारी कैंडल मार्च निकाल रहे थे तो हमारा शोषण बंद करो, तानाशाही बंद करो, ऊर्जा मंत्री होश में आयो, न्याय करो या कुर्सी छोड़ो, इस तरह की नारेबाजी की है और वंदे मातरम के भी नारे लगाए हैं। और इनका मामला हम अरुणेश आपको बता देते हैं, जो सबसे जरूरी है, जो संविदा कर्मचारियों का कहना है कि करीब 20 सालों से, जब से संविदा प्रणाली शुरू हुई है तब से लेकर आज तक उन्हें या जो अव्यवस्था है विद्युत विभाग की, उन्होंने आरोप लगाया, उसका दंश झेलना पड़ रहा है। उनकी ये 13-18 सूत्री मांगे हैं जिसको लेके ये हर साल कैंडल मार्च निकालते हैं, समय समय पर आंदोलन भी करते हैं लेकिन नतीजा सिफर रहता है। अब हम उनकी मांगे भी बता देते हैं अरुणेश। तो इन्होंने, इनकी मांगे हैं कि कार का अनुबंध ना करना, वेतन भुगतान में भेदभाव करना, समान कार्य का समान वेतन ना देना, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को कार पर वापस ना लेने, ईपीएफ घोटाले की जांच कराने, सुरक्षा उपकरण दिए बगैर दबाव बनाकर कार्य कराने, घायल कर्मचारियों का कैशलेस उपचार न कराने, दुर्घटनाओं में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों के अपंग एवं मृत्यु होने पर 13,000 के अनुबंध पर पूर्व से कार्य कर रहे प्रशिक्षित एवं अनुभवी संविदा उपकेंद्र परिसंचालकों के स्थान पर 30,000 के अनुबंध पर सैनिक कल्याण से संविदा उपकेंद्र परिचालकों की तैनाती कराने आदि कारणों से संघ द्वारा 16 जून से जागरूकता अभियान पहले चलाया गया, उसके बाद 30 जून 2024 यानी कि आज रात सभी जिला मुख्यालयों पर कैंडल मार्च निकाला गया है ये मांगों को लेकर। और इसके अलावा उन्होंने एक चेतावनी दी है संविदा कर्मचारियों ने अरुणेश की, 8 जुलाई को वो लखनऊ के शक्ति भवन पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 9 जुलाई से पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार करेंगे।
चाहे जिसके घर में भी बिजली की फॉल्ट हो जाए, बनाने वो कतई नहीं जाएंगे। उन्होंने इंडिया से खास बातचीत में ये जानकारी दी है। जो जिला महामंत्री है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ जिला इकाई सीतापुर के संजय वाजपेयी, उनका साफ कहना है कि अगर 8 जुलाई को धरना प्रदर्शन वो करेंगे शक्ति भवन पर और तब भी मांगे नहीं मानी गई, तो 9 जून से वो पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। और उन्होंने एक अहम जानकारी ये भी दी है कि यूपी आपके सीतापुर जिले में कुल 1200 ऐसे कर्मचारी हैं, संविदा और निविदा कर्मचारी, जो विद्युत विभाग को 15 से 20 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें लाइनमैन, एसएसओ और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। और उनका ये उनकी जो मुख्य मांगे हैं रुलेश, उन्होंने मुख्य मांगे बताई हैं कि समान कार्य का समान वेतन, ईपीएफ घोटाले की जांच, और जब किसी निविदा या संविदा कर्मचारी की का एक्सीडेंट हो जाता है विद्युत फॉल्ट ठीक करने में या अन्य कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसे कैशलेस उपचार की सुविधा देना और मानक अनुरूप वेतन या न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये करने की मांग की है। अभी जो उन्हें वेतन मिल रहा है वो 11,000 रुपये ही मिल रहा है। उनका कहना है कि सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारियों को 22,000 से 30,000 रुपया दिया जाता है, वो भी ठेका प्रथा पर काम कर रहे हैं और उन्हें इतना भारी भरकम वेतन मिल रहा है और सेम काम हम कर रहे हैं, तो हमें क्यों 11,000 रुपया मिल रहा है? या तो न्यूनतम वेतन 18,000 करें या सैनिक कल्याण निगम के कर्मचारियों को 22,000 से 30,000 रुपये जैसे मिलता है उन्हें भी मिले। इसके लिए आपको बता दें कि 29 जून को जो संविदा कर्मचारियों हैं उन्होंने जिलाधिकारी अभिषेक आनंद, अधीक्षण अभियंता विद्युत और एसपी चक्रेश मिश्र के यहाँ पर एक मांग पत्र भी सौंपा है। उसके बाद आज कैंडल मार्च निकालकर नारेबाजी की है। और वैसे हम आपको एक अहम जानकारी दे दें, हमने इनसे एक जानकारी ली कि आपकी किसी सरकार से या शासन से वार्ता नहीं हुई, तो उन्होंने ये कहा है कि कई बार उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से उनकी बात भी हुई लेकिन बात बनी नहीं, हमारी मांगे वो मानने को तैयार नहीं है, जिस कारण से उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर ये संविदा कर्मचारी अगर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर चले गए तो क्या हाल होगा ऐसी गर्मी में, उमस भरी गर्मी में, क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा दारोमदार इन्हीं लाइनमैन एसएसओ पर होता है जब वे लाइन ठीक करने जाते हैं, चाहे दिन हो या रात 24 घंटे ये लोग काम करते हैं। और अगर ऐसे में वो अगर कार्य बहिष्कार पे चले गए तो सीतापुर में 50 लाख की आबादी है, उससे भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। फिलहाल आज जो संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने सीतापुर के रोडवेज बस अड्डे से लेकर अटल चौक तक नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में हुंकार भरी और चेतावनी दी कि 8 जुलाई को उनका एक धरना प्रदर्शन लखनऊ के शक्ति भवन में है। अगर वहां भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो 9 जुलाई से वे पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार पर रहेंगे अरुणेश, और इस दौरान 200 से अधिक संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे इस कैंडल मार्च में। अरुणेश बिल्कुल, तो ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है इंडिया पर। आपको बता दें उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ की जो जिला इकाई सीतापुर है उसके जो जिला महामंत्री हैं संजय वाजपेयी, उनके लेटर हेड से ये जानकारी दी गई है। और आपको बता दें सीतापुर की मुख्यालय की सड़कों पर, आपको बता दें सीतापुर बस स्टॉप से लेकर के लाल बाग चौराहा जिसे अब अटल चौक के नाम से भी जाना जाता है, वहां तक कैंडल मार्च निकाला है और सरकार को चेतावनी देते हुए जो है नारेबाजी भी की है। इसके अलावा जो है जब उनका कैंडल मार्च जो है वहां पर अटल चौक पर समाप्त हुआ तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा है उसके नीचे उन्होंने जो है अपनी कैंडल जो है समर्पित की है। आपको बता दें इसमें जो कर्मचारी संघ है इसकी कुछ मांगे हैं जिसमें कार्य के अनुबंधन न करने और वेतन भुगतान में भेदभाव करने संबंधी कुछ मांगे हैं, सामान्य कार्य का समान वेतन न देने की जो है मांगे हैं, इसके अलावा जो है वेतन बढ़ाए जाने की संबंधी भी मांगे हैं। और इसके अलावा संघ की ने चेतावनी भी है, काफी बड़ी चेतावनी इसको माना जा सकता है इस समय जो मौसम है गर्मी का उसको देखते हुए, 8 जुलाई 2024 को शक्ति भवन लखनऊ में वहां पर इनका धरना प्रदर्शन होगा
और अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो फिर वो कार्य बहिष्कार पर जो है निकलने वाले हैं 9 जुलाई से। तो ये एक बड़ी चेतावनी भी सीतापुर के जो है नागरिकों के लिए और जो है अधिकारियों को भी एक बड़ी चेतावनी के रूप में इसे देखा जा सकता है कि काफी जो है बड़ी जो है चेतावनी है। और फिलहाल इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है वह भी हम अपने दर्शकों को पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।